ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या 20। मेरे पीछे बोले, ना प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविन् ब्रह्मणि स्थितः। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं, न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्य, जो प्रिय को प्राप्त करके भी प्रहर्षित ना हो। तो प्रिय तो होता है, प्रिय तो होता है, हैं? कुछ प्रिय है और कुछ अप्रिय है, हैं? तो प्रिय की प्राप्ति में हर्षित ना हो, हैं? इसका मतलब क्या है? प्रिय तो है, कुछ उसको प्रिय लग रहा है, लेकिन तो भी वो हर्षित नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि वो स्थिरता का अभ्यास करता है। हर्ष तो होता है लेकिन हर्षित वो नहीं होता। नो द्विजित प्राप्य चाप्रियम, और अप्रिय, कोई चीज़ अप्रिय लगती है तो ऐसी बात नहीं है कि अप्रिय ना लगे, अप्रिय लगता है लेकिन उद्योग में नहीं होता है। इसका मतलब सहन करने का अभ्यास करता है। उद्योग में नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सहन करने का अभ्यास कर रहा है ना। हर्षित, हर्ष को भी वो नियंत्रित करता है। प्रिय की प्राप्ति में हर्ष होता है लेकिन तो भी हर्ष को नियंत्रित करता है और प्रहर्षित नहीं होता है। हर्षित होता है लेकिन प्रहर्षित नहीं होता है, यानी बहुत ज़्यादा हर्षित है जिसमें कि सब कुछ भूल जाए, अपना जो है होश ही ना रहे। तो लोग, कुछ लोग हैं जो इतना प्रहर्षित होते हैं कि उन्हें होश ही नहीं रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, प्रिय की प्राप्ति में हर्ष होता है लेकिन प्रहर्षित नहीं होता है, और अप्रिय की प्राप्ति में बुरा लगता है लेकिन उद्विग्न नहीं होता है ना। स्थिर बुद्धिर, क्यों? उसकी बुद्धि स्थिर है। असम्मूढ़ हो, असम्मूढ़ हो का मतलब है कि वो बहुत मूर्ख नहीं है, सम्मूढ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं बनता है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रिय की प्राप्ति में बहुत हर्षित होता है तो वो मूर्ख होता है। किसका मोबाइल बज रहा है? तो वो बहुत मूर्ख होता है क्योंकि वो नहीं जानता कि भौतिक संसार अनित्य है। कुछ इस समय जो भी प्रिय लग रहा है आगे चल करके वही अप्रिय बन जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति बदलती है, तो फिर हर्ष किस बात का हो रहा है? स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद, ब्रह्मविद का मतलब है भगवत विद्या को जानता है, ब्रह्मविद को जानता है। बातें नहीं, बातें नहीं, भगवत विद्या को जानता है। ब्रह्मणि स्थितः, और वो ब्रह्म में स्थित है यानी समता में स्थित है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता है ना। तो सबसे पहला लक्षण क्या है? शरीर और आत्म तत्व में अंतर जानता है। शरीर से आत्मा अलग है इस बात को वो अच्छी तरह समझता है। मैं शरीर नहीं हूँ है ना, मैं हूँ लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से बंधा हूँ, मैं शरीर से बंधा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से बंधा हूँ।
जैसे पक्षी तो पिंजड़े के अंदर बंद है, तो पक्षी पिंजड़ा थोड़ी है, वो पिंजड़े के अंदर बंद है, पिंजड़े में उसको बंद किया गया है। उसी प्रकार से हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर बंद किए गए हैं, है ना। तो सबसे पहला लक्षण ये है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण ये है कि शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं होता उसके, ये भ्रम कभी नहीं होता है कि मैं शरीर हूँ। इस कारण से शरीर के सुख में अपना सुख नहीं मानता वो, इंद्रियों के सुख में वो अपना सुख नहीं मानता। वो अपना सुख किस में मानता है, कृष्ण का जो गुणगान है, कृष्ण की श्रवण कीर्तन का जो रस है उसमें अपना सुख मानता है। इंद्रियों के सुख में और आत्मा के सुख में वो अंतर जानता है, है ना। जैसे कहते हैं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, आगे वो ये भली भांति जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ अपितु तो भगवान का एक अंश हूँ। तो भगवान का एक अंश परमात्मा के रूप में है हमारे शरीर में, और दूसरा जो अंश है जीवात्मा हम ही है, जीवात्मा हम ही है, जो परमात्मा है वो स्वांश हैं और हम जीव विभिन्न अंश हैं। तो शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, परमात्मा और जीवात्मा। तो मैं भगवान का एक अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, है ना। तो शरीर नष्ट होता है लेकिन मैं नष्ट नहीं होता, तो बहुत बड़ा अंतर है जीव में और शरीर में, कितना बड़ा अंतर है, है? शरीर पैदा होता है, जीव पैदा नहीं होता है। शरीर हमेशा नष्ट होता है और जीव कभी नष्ट नहीं होता है, तो कितना बड़ा अंतर है। फिर भी अज्ञान में हर व्यक्ति अपने को शरीर समझता है, इससे बड़ा अज्ञान क्या हो सकता है। जीव में और शरीर में आकाश पाताल का अंतर है, जीव कभी पैदा नहीं होता, कभी पैदा नहीं होता, और शरीर पैदा हुआ है। जीव कभी नष्ट नहीं होता है और शरीर हमेशा नष्ट होता है, है ना। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का पहला लक्षण ये है। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है, प्रिय और अप्रिय। तो उसके शरीर को कुछ प्रिय लगता है और कुछ शरीर को अप्रिय लगता है, तो इसमें उसको प्रहर्ष और उद्विग्नता नहीं होती है। मन की ये स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। तो इसे कहते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का मतलब है उसकी बुद्धि आत्मा में स्थित है, शरीर से ऊपर है, उसकी बुद्धि शरीर से ऊपर है, अपना जो स्वार्थ है वो शरीर से ऊपर है, आत्मा के धरातल पर वो अपना स्वार्थ देखता है, है ना। आगे अतः वो ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है, है? दोनों बातें, बातें नहीं, बातें नहीं, जो खड़े हैं या कोई बैठे हैं, कोई बातें नहीं, आपस में बिल्कुल बातें नहीं। ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करता है और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है, है ना। तो तीनों का ज्ञान, एक तो ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, तीसरा भगवान, है ना। तो तीनों एक हैं,
लेकिन अंतर क्या है, दूरी का। जैसे सूर्य का आपको ज्ञान होता है तो जब दूरी होती है सूर्य से तो आपको केवल प्रकाश दिखाई पड़ता है, और जब आप सूर्य खुले आकाश में सूर्य को देखते हैं तो सूर्य का मंडल दिखाई पड़ता है। और अगर आप सूर्य के लोक में चले जाएं या शास्त्रों में पढ़ें सूर्य क्या होता है, तो शास्त्रों के अनुसार आपको पता चलेगा कि सूर्य का रथ है, उसके साथ घोड़े हैं, एक अरुण नाम का सारथी है और उसमें सूर्य देवता बैठे हुए हैं। तो ये सूर्य का ज्ञान और ज़्यादा है। तो इसी प्रकार से परम सत्य को हम ब्रह्म के रूप में जानते हैं कि एक चेतन शक्ति है, हर जगह व्याप्त है। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। परम सत्य को आप दूर से इतना ही समझ पाते हैं, और परम सत्य के जब आप निकट आते हैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में आप अनुभव करते हैं, और जब परम सत्य के और निकट जाते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि वो वैकुंठ में रहते हैं भगवान। और जो वैकुंठ के भगवान को जान लेता है तो वो परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि वही अपना विस्तार करते हैं सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में, और उन्हीं परमात्मा की चेतन शक्ति हर जगह फैली हुई है ब्रह्म के रूप में। तो वैकुंठ वाले भगवान को जो जान ले तो वो परमात्मा को अपने आप जान लेता है और ब्रह्म को अपने आप जान लेता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा था भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। हर बात में तदाकार नहीं होना है, परम ब्रह्म से हर बात में तदाकार नहीं होना है। कुछ बातों में परम ब्रह्म के हम समान हैं। जो जीव है कुछ मामलों में भगवान के समान है, हर मामले में नहीं है, है? कुछ मामले में भगवान के समान है। क्या? सच्चिदानंद। तो भगवान सच्चिदानंद है, सत सनातन है। तो जैसे भगवान सनातन है उसी प्रकार से जीव भी सनातन है। जीव का भी कभी जन्म नहीं हुआ और ना भगवान का कभी जन्म हुआ है। चित का मतलब है कि भगवान ज्ञान से पूर्ण है और जीव भी ज्ञान से पूर्ण है। आनंद, भगवान में आनंद है, जीव में भी आनंद है, लेकिन मात्रा में बहुत अंतर है। जीव का जो आनंद है वो बहुत थोड़ा है, जैसे चिंगारी में आग बहुत थोड़ी होती है। अग्नि के समीप जब चिंगारी होती है तो वो जो थोड़ी सी आग है वो भी उसमें आ जाती है, और वो चिंगारी आग से दूर हो जाती है तो उसकी वो भी आग खत्म हो जाती है। चिंगारी अग्नि का अंश है या अग्नि से दूर जाकर के वो उसका भी वो गुण समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जीव में आनंद है लेकिन भगवान के संपर्क में उसका वो आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है, और भगवान से दूर होने पर उसका आनंद समाप्त हो जाता है। चित्त का भी मतलब है कि सनातन। तो जीव में सनातनता का जो गुण है भगवान के संपर्क में, भगवान के संपर्क में जीव में सनातनता का गुण आ जाता है, और भगवान से जब दूर होता है तो जीव में सनातनता का गुण भी लुप्त हो जाता है। जीव को जन्म मरण की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है ना।
तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो आज एक विशेष दिन है, आज कोई विशेष दिन है, क्या दिन है? श्रील जगदीश पंडित का आविर्भाव है ना। तो श्रील जगदीश पंडित का आविर्भाव, अभी कुछ दिन पहले उनका तिरुभाव भी आया था, है ना। तो हमें इनकी याद करना चाहिए, ऐसे दिनों में हमें इन महापुरुषों की याद करना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा अवसर होता है कि इनको याद किया जाए। तो जगदीश पंडित ये जगन्नाथ मिश्र के समय समकालीन थे, जगन्नाथ मिश्र के मित्र थे। तो इनके घर में एक दिन क्या हुआ कि काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन बने। वो एकादशी का दिन था, तो एकादशी को सामान्यतः पहले के समय जो लोग होते थे, एकादशी के दिन कुछ नहीं खाते थे, तो कुछ बनाते नहीं थे। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो जो है भगवान को एकादशी के दिन भी अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। तो जगदीश पंडित ने अपने घर में जो भगवान का अर्चा विग्रह था उनको भोग लगाने के लिए कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। हालांकि भगवान को भोग लगाया जा सकता है अन्न का भी, एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न का भोग लगाया जाता है, लेकिन इस बार जगदीश पंडित ने एकादशी का ही सब व्यंजन बनाया था। तो एकादशी का दिन है, अन्न नहीं खाना चाहिए, और अगर खाने के लिए एकादशी के ही कुछ व्यंजन मिले तो बड़ा अच्छा है ना। तो बालक ने माई अपने घर में अपने घर में है और रो रहे हैं, बालक ने माई रो रहा है। और हमेशा बालक अगर रोता था और कोई हरि नाम का कीर्तन करे तो हमेशा रोना बंद हो जाता है। और ये बालक हंसने लगता था, लेकिन आज कुछ विशेष दिन, आज कुछ विशेष घटना हुई कि ये बालक रोता ही रोता जा रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। और सब लोग कहते हैं कि हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, तुम नाचो, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन नहीं। इसका मतलब क्या है कि श्री चैतन्य ने जन्म से जो शिक्षा दी नाम कीर्तन की, जन्म से ही इस बालक का ये नियम था कि नाम का कीर्तन करें तो चुप हो जाएगा और हंसने लगेगा, जन्म से ही। लेकिन आज के दिन ये बालक कुछ दूसरी शिक्षा देना चाहता है, जैसे कि एक जो है शिक्षा का पाठ जब पढ़ा जाता है तो अगला पाठ पढ़ाया जाता है, तो एक दूसरा पाठ भी ये बालक बताना चाहता है, सिखाना चाहता है। तो सबसे पहला पाठ था हरि नाम का कि अपने जीवन में हमेशा हरि नाम करो, लेकिन दूसरा पाठ बालक क्या बताना चाहता है, एकादशी, एकादशी को अन्न नहीं खाना। तो इनके घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं करता था। बालक निमाई के घर में कोई एकादशी का व्रत नहीं करता था, और ये बालक ये सिखाना चाहता है एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए।
तो बालक रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। और सब लोग कहते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो, तुम जो को चाहते हो वही चीज़ देंगे, रो नहीं, रो नहीं, है ना। तो बालक क्या बोला कि आप लोग अगर मेरे जीवन की रक्षा करना चाहते हो तो जगदीश पंडित के घर में जो व्यंजन बने हैं और भोग नहीं लगे हैं वो मुझे लाओ, मैं उसे खाना चाहता हूँ, वो लाओ और मैं उसे खाना चाहता हूँ, तब मेरे जीवन की रक्षा होगी। तो सब लोग दौड़े गए जगदीश पंडित के घर में, और जगदीश पंडित के लिए एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि अपने घर में भगवान के ऐसे विग्रहों के लिए कुछ बनाए जाए और विशेष व्यंजन बनाए जाए और उसको जो है बालक मांगे कि अर्चा विग्रहों को भोग ना लगा करके, और बालक मांगे तो एक बड़ी भारी जो है समस्या हो जाती है। लेकिन इनको भगवान ने ऐसी बुद्धि प्रदान की है कि इन्होंने विचार किया कि नहीं नहीं भगवान वहाँ पर ही हैं, भगवान उस बालक में है, भगवान उस बालक के रूप में मांग रहे हैं, और इस समय अर्चा विग्रह को भोग लगाने की जरूरत नहीं है, उस बालक को ही खिलाया जाए तो भगवान का भोग लग रहा है। तो वे अपने जितने व्यंजन बनाए थे सब अपने हाथ से उठा करके सब थाल लेकर के आए और बालक को जो है बालक के सामने रखा, और बालक जो है तब चुप हुआ, उसने खाना शुरू किया। उस समय बालक जो है नाचता था, हंसता था और खाता जाता था, इस तरह से सब खा लिया, सब जितना भोग है वो सब खा लिया। तो इस घटना के द्वारा बालक ने शिक्षा दी, बालक ने ये कहा था आज एकादशी का दिन है, बालक ने ये कहा था आज एकादशी का दिन है। तो जगदीश पंडित समझ गए कि बालक को कैसे मालूम एकादशी का दिन है, अगर उनके घर में कोई एकादशी का विचार ही नहीं करते तो बालक कैसे बोला कि एकादशी है, आज एकादशी है, बच्चों को कहाँ पता चलता है। अगर बड़े लोग ना बोलें तो बच्चा कैसे बोल सकता है एकादशी। जगदीश पंडित को पता था कि जगन्नाथ मिश्र घर में कोई एकादशी नहीं करते हैं, और बालक बोल रहा है कि आज एकादशी है, और जगदीश पंडित ने अपने घर में व्यंजन बनाया है, तो बालक को कैसे पता चला कि हमने अपने घर में एकादशी के विशेष व्यंजन बनाए। तो उन्होंने क्या निश्चित किया कि इस बालक के शरीर में श्री कृष्ण अवस्थित हैं और श्री कृष्ण ही लीला करते हैं। तो ये जो है बुद्धि भगवान देते हैं। अगर हम प्रार्थना करें भगवान से कि मुझे आप सेवा में लगाइए तो भगवान ऐसी बुद्धि देंगे। जगदीश पंडित के सामने एक बहुत बड़ी परीक्षा की। अभी अर्चा विग्रहों को भोग ना लगाएं और बच्चे को खिलाएं। तो जगदीश पंडित के बारे में बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये यज्ञ पत्नी थे, स्त्री, तो कृष्ण की लीला में बहुत सी स्त्रियां गौर लीला में क्या बनी हैं, पुरुष बनी हैं। जैसे राधा रानी स्वयं गौर लीला में पुरुष बनी हैं, क्या है, गदाधर पंडित हैं, है ना, ललिता है, विशाखा है, गौर लीला में ये भी स्वरूप दामोदर और रामानंद राय बने हैं। तो बहुत सी मंजरियां हैं गौर लीला में पुरुष बने। उसी प्रकार से यज्ञ पत्नियां भी गौर लीला में पुरुष बने। तो यज्ञ करने वाले जो मथुरा के ब्राह्मण थे,
जब कंस का अत्याचार शुरू हुआ तो कंस का अत्याचार एक ये भी था कि उनके राज्य में कोई यज्ञ नहीं करे। तो जब कंस का इस प्रकार का जो है कानून बन गया कि यज्ञ करना मना है, तो मथुरा के ये ब्राह्मण जो है यज्ञ करने के लिए ब्रजमंडल के अंदर आए और छिप करके यज्ञ कर रहे थे। और यहाँ भगवान को तो सब कुछ पता है, तो भगवान ने कुछ ऐसी लीला करी कि आज के दिन भगवान गौएं चराते हुए अपने सखाओं के साथ इस तरफ आ गए जहाँ यज्ञ हो रहा था, और कुछ ऐसे कारण बनाए कि जो सखा लोग थे उनको भूख लगी। कुछ ऐसे कारण बनाए कि सखाओं को भूख लगी, तो सब सखा लोग बोले कृष्ण से कि कृष्ण हमको तो भूख लग रही है, कोई भी समस्या हो तो कृष्ण से ही बताएंगे, कृष्ण हमको तो भूख लग रही है, हमारी भूख मिटाओ। तो कृष्ण ने कहा कि देखो यहाँ पास में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो इनके पास जाओ और इनसे बात करो कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, यहाँ समीप में आए हैं और आपसे भोजन मांग रहे हैं। तो अपने लिए भोजन नहीं मांगना, मेरा और बलराम जी का नाम बताना, तो ये तरीका है। और जो ब्राह्मण हैं, जो वेद मंत्र को जानने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे आशा की जाती है कि कृष्ण और बलराम के तत्व को जाने। और ये जो ब्राह्मण थे ये कृष्ण बलराम के तत्व को जानते थे, लेकिन इनकी बुद्धि ऐसी मारी गई कि जब सखा लोग आए और सब बताया कि कृष्ण बलराम यहाँ निकट में आए हुए हैं और वे अपने भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, तो ब्राह्मणों ने चूँकि भगवान से प्रार्थना नहीं की थी कि हमें अपनी सेवा में लगाओ, ये तो इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाना चाहते थे, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट है। इसलिए कृष्ण बलराम की बात पर भी उन्होंने अपने यज्ञ बंद नहीं किए। अगर कृष्ण बलराम आ जाए स्वयं यज्ञ में, तो फिर यज्ञ की क्या जरूरत है, उन्हीं की सेवा करो। जितने भी यज्ञ हैं वो कृष्ण बलराम को प्रसन्न करने के लिए, और उनको छोड़ करके आप यज्ञ कर रहे हैं, तो मूर्खता है। ये तो उसी प्रकार से है जैसे कि क्षीर समुद्र के पास में भी आप जो है बकरे का दूध दुह रहे हैं। क्षीर समुद्र दूध का समुद्र है, और उसकी क्वालिटी क्या है, क्षीर सागर का जो दूध है उसकी क्वालिटी कैसी होगी दूध की, और बकरी के दूध की क्वालिटी क्या है उसके सामने। क्षीर सागर के पास में भी जो है आप बकरी को दुहें दूध के लिए, मूर्खता है। कृष्ण बलराम है पास में और भोजन मांग रहे हैं, कितना बड़ा फल मिलने वाला है, कितना बड़ा मौका है। स्वयं कृष्ण बलराम भोजन मांग रहे हैं, भूखे हैं और भोजन मांग रहे हैं, आपसे भोजन मांग रहे हैं, है ना। उस समय यज्ञ से आपको क्या मिलेगा, यज्ञ करने से आपको क्या क्या करना है यज्ञ करके। जैसे कि गंगा जी के तट पर कोई व्यक्ति कुएं की खुदाई करे,
गंगा जी, गंगा जी का जल जो है साक्षात वहाँ कुआं खोद रहे। कृष्ण बलराम भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं। ओहो, ऐसा अवसर किसी भी जन्म में नहीं मिलता, ऐसा अवसर मिल रहा है। एवं मूर्ख जो है यज्ञ में लगे हैं, मंत्र पाठ कर रहे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, और जो कृष्ण के सखा हैं उनकी बात का उत्तर नहीं दिया, इससे क्या होता है? बड़ा अपमान होता है। अपने स्वाहा स्वाहा में लगे हैं, उनकी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृष्ण बलराम का नाम सुनकर के भी हैं उनको जो है प्रसन्नता नहीं हो रही है, उनको उत्सुकता नहीं हो रही है, उत्कंठा नहीं हो रही है, दर्शन की उत्कंठा नहीं हो रही है, और यज्ञ में लगे हैं। दुर्भाग्य है। कृष्ण के सखाओं को जो है बड़ा बुरा लगा। कृष्ण बलराम के पास आ गए लौट करके, एक तो उन्हें भोजन मिला नहीं, और दूसरा क्या मिला? अपमान, उल्टा अपमान मिल गया। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं चिंता मत करो, ये भौतिक संसार में कभी असफलता मिलती है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अभी तुम जो है उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनको यही बात बताना जो बात तुम लोगों ने ब्राह्मणों से बताई है, वो जरूर तुम्हें भोजन देंगे। इस बार वो सखा जो है यज्ञ पत्नियों के पास गए, और यज्ञ पत्नियाँ जो है यज्ञ नहीं करती थी, लेकिन कृष्ण बलराम की चर्चा हमेशा करती रहती, वो हमेशा कृष्ण बलराम की चर्चा करती, उनकी लीलाएं उन्होंने जो सुनी है तो उन्हीं की चर्चा करती है। और जैसे उनको पता चला कि कृष्ण बलराम स्वयं आए हैं, आहा, उनका तो जो है मतलब हर्ष का जो है पार ही नहीं, असीमित हर्ष होने लगा कि कृष्ण बलराम यहाँ आए हैं, साक्षात कृष्ण बलराम आ जाएं पास में, और आपको हर्ष ना हो, उत्कंठा ना हो, है ना, तो क्या जीवन है? ऐसा भी कोई जीवन है? कृष्ण बलराम स्वयं आए और अपने को कोई हर्ष ना हो, कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं, हर्षित हो गई, कहाँ है कृष्ण बलराम, कहाँ है? और जब सखाओं ने कहा कि वो भूखे हैं, अच्छा अच्छा भूखे हैं, हैं तो भोजन, उनको भोजन चाहिए, तो उन्होंने थाल भर भर के जो है अपने जो है अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही भोजन के थाल भर लिए और भागे। तो सामान्य रूप से पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य करना स्त्री के लिए निषिद्ध है, ये दोष माना जाता है, अपने पति की अवज्ञा करना पत्नी के लिए दोष है, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण था, यही दोष जो है उनका बहुत बड़ा गुण बन गया। उन्होंने अपने पत्नी पतियों की आज्ञा लिए बिना ही भोजन के थाल भर लिए और कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए दौड़ी। और जब कृष्ण ने देखा तो कृष्ण ने उनका स्वागत किया, स्वागत किया, सम्मान किया, समर्थन किया कि तुम लोगों ने ठीक किया, अच्छा किया। वही भगवान जो वैदिक मर्यादा बनाने वाले हैं, जिन्होंने ये मर्यादा बनाई कि स्त्री को जो है अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए, वही भगवान अपने पतियों की अवज्ञा का समर्थन कर रहे हैं कि तुमने अच्छा किया अपने पतियों की अवज्ञा की, तुमने अच्छा किया। और वो यज्ञ पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया, उनके सखाओं को भोजन कराया, हैं, और उन्होंने फिर प्रार्थना की भगवान से कि अब हमें आप अपने चरणों में रखो,
हम अब अपने पतियों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे जो पति हैं वे बड़े कठोर स्वभाव के हैं, ये वैदिक धर्म के जो है कट्टर अनुयायी हैं, और अगर उनकी पत्नी उनकी आज्ञा के बिना अगर उनको छोड़ के कहीं जाए तो वे फिर हमेशा के लिए छोड़ देंगे, वो फिर हमें स्वीकार नहीं करेंगे, तो अच्छा नहीं है कि हम जाएं और वो हमें तिरस्कार करें कि चली जाओ, उससे अच्छा हम ना जाएं। यज्ञ पत्नियों ने कहा कि जैसे आपके सखा उनके पास गए तो भोजन तो मिला नहीं और तिरस्कार मिल गया, और हम जाएं और हमें वो स्वीकार ना करें और तिरस्कार करें, उससे अच्छा हम ना जाएं। तो आप हमें अपने चरणों में रखिए, अपने शरण में रखिए, अब हम अपने पतियों के पास नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, जिसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ उसे कौन ठुकरा सकता है। मैंने तुम्हारी सेवा को स्वीकार किया, मैंने तुम्हारा दिया हुआ भोजन खाया, अब कैसे तुम्हारे पति तुम्हारा तिरस्कार करेंगे। आप लोग जाइए और देखिए आपके पति लोग आपका कितना सम्मान करते हैं। और वे लोग डरते डरते गईं, क्योंकि भगवान ने हालांकि बोला कि वे सम्मान करेंगे, लेकिन उनका अनुभव क्या बोल रहा था कि वे तिरस्कार करेंगे। तो वे डर बहुत डर रही थी कि हमारे पति हमारा तिरस्कार करेंगे और क्या कहेंगे कि जैसे अभी चली गई हो बिना हमसे आज्ञा लिए, तो वैसे अब जाओ, अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं हमको। लेकिन उन्होंने बड़े आदर के साथ बिठाया यज्ञ में, और अपनी निंदा की, अपनी निंदा की, देखो कितना आश्चर्य है। उन्होंने अपनी निंदा की कि हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे यज्ञों को धिक्कार है, हम इतना यज्ञ कर रहे हैं, इन यज्ञों को भी धिक्कार है, क्योंकि कृष्ण बलराम की सेवा का हमें अवसर मिला था और हमने उसका लाभ नहीं उठाया। हमारा ब्राह्मण परिवार में जो जन्म हुआ ये भी बेकार हो गया, हमने जो मंत्र सीखे उनको धिक्कार है, हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया उसको भी धिक्कार है, जितना वेद पाठ किया इसको भी धिक्कार है, क्योंकि हम जान करके भी कि कृष्ण बलराम आए और भूखे हैं और हमें उससे भोजन मांग रहे हैं, इतना बड़ा अवसर जो हमें मिला था उनकी सेवा करने का। हजारों जन्म, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म भी जाएं तो भी कृष्ण बलराम हमसे भोजन नहीं मांगेंगे। कृष्ण बलराम को क्या जरूरत है भोजन मांगने की, पूरे विश्व को भोजन देते हैं, उन्हें भोजन मांगने की क्या जरूरत है। लेकिन हमारे भोजन के लिए कृष्ण बलराम भूखे थे, मांग रहे थे, और हमने उनको भोजन नहीं कराया, और इन स्त्रियों ने, इनका जन्म भी पवित्र नहीं है, इन्होंने कुछ मंत्रों का भी पाठ नहीं किया है, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है, गुरुकुल में नहीं रहे, तपस्या नहीं की, इन लोगों ने कृष्ण बलराम को भोजन करा दिया, कृष्ण बलराम को भोजन खिला दिया, इतना बड़ा इन्होंने अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर लिया। तो वो जब जो मथुरा के ब्राह्मण थे उन्होंने अपने को धिक्कारा, अपनी निंदा की। तो ये जो है अंतर है, भगवान की सेवा के लिए अगर हम कोई भी सेवा जो भौतिक संसार की है अगर उसको छोड़ देते हैं,
तो भगवान रक्षा करते हैं, अगर भगवान स्वीकार कर ले। तो ये जो यज्ञ पत्नियां थीं, इन्होंने अपने पतियों की आज्ञा के बिना ही भोजन के थाल भर लिए और भगवान को खिलाने के लिए आईं, और भगवान ने स्वीकार किया और भगवान उनकी प्रशंसा की, समर्थन किया और खाया भोजन। इससे बड़ा और क्या लाभ है? कृष्ण बलराम को भोजन खिलाना है तो हजारों करोड़ों यज्ञों की क्या आवश्यकता है? कृष्ण बलराम को भोजन करा तो वही यज्ञ पत्नी में से एक जगदीश पंडित हैं, और वही स्थिति इस बार भी आई कि अभी यज्ञ हो रहा था, यज्ञ के बिना जो है भोजन नहीं बांटा जा सकता, तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने कृष्ण बलराम को भोजन नहीं दिया कि यज्ञ जब तक पूरा ना हो तब तक भोजन जो है बांटा नहीं जाएगा। तो वही स्थिति इनकी थी कि जब तक अर्चा विग्रहों को भोग ना लगे तब तक किसी बच्चे को भी भोजन नहीं देना। तो वही स्थिति है। लेकिन जैसे साक्षात कृष्ण बलराम आ जाएं तो यज्ञ को यज्ञ करने की क्या जरूरत है? कृष्ण बलराम की सेवा करो। उसी प्रकार से साक्षात निमाई बालक जो है रोए और मांगे भोजन, तो उसको भोजन दो। अर्चा विग्रह को भोग लगाने की क्या जरूरत है? साक्षात निमाई बालक जो है रो रहा है तो उसको प्रसन्न करो। तो ये एक परीक्षा की स्थिति थी जिसमें ये पास हुए, जगदीश पंडित पास हुए। तो हमें यही प्रार्थना करना है कि जगदीश पंडित जैसी बुद्धि हमको भी मिले, नहीं तो कुछ लोग लकीर के फकीर होते हैं। तो उनकी लकीर लकीर है भाई, अर्चा विग्रहों को भोग जब तक ना लगे तब तक किसी को नहीं खिलाना। लेकिन कभी कभी वैकुंठ से ही आदेश आता है कि ये काम करो, तो फिर हमें क्या करना है? तो जगदीश पंडित को जो है अपने हृदय के अंदर ही आदेश प्राप्त हुआ, तो जो भक्त हृदय को शुद्ध कर लेते हैं तो हृदय की आवाज से ही जो है वे जान लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि हृदय में एक ही आवाज़ रहती है, वो भगवान की, परमात्मा रूप में। तो उनके हृदय में आवाज़ आई कि नहीं नहीं बालक, अगर बालक ने कहा कि आज एकादशी है तो उस बालक ने कैसे जान लिया आज एकादशी है? तो कृष्ण ही उस बालक के मुख से बोल रहे हैं कि आज एकादशी है। और वही कृष्ण जो है बालक के रूप में ये बोल रहे हैं कि मुझे भोजन कराओ, बिना भोग लगाए भोजन कराओ। तो ये जो है एक विशेष घटना है जगदीश पंडित के जीवन में हुई है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगदीश पंडित आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय हो।